मंदिर में जाते हैं तो वैसे यहाँ पर आके इतना बढ़िया लग रहा है, क्या ही बोलो। व्यू देख सकते हो आप लोग अरुणाचल का व्यू, वाओ सुपर। नीचे का व्यू देखो, ऊपर में कह रहे चीता। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो आज फिर से एक ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज का ब्लॉग होगा, कई जगह पे घूमने जाने वाला है हम लोग का, कई जगह पे जाने वाला है, मतलब गगामुख पे जाने वाला है मैं और मेरा भैया। तो गगामुख हनुमान मंदिर में जाने वाला है। तो अभी ये ट्रेन आने से ट्रेन में जाएंगे और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। ट्रेन पे जाने वाला है, फिलहाल अभी स्टेशन पे जा रहे हैं हम। तो फिलहाल अभी गाइस स्टेशन पर हूँ, ट्रेन का इंतजार में हूँ अभी। सो गाइस भी ट्रेन का इंतजार में है। सो फाइनली गाइस ट्रेन आ चुका है, अभी जाएंगे और सीट मिलेगा कि नहीं पता नहीं गाइस, पूरा भीड़ है, पूरा भीड़ है। तो गाइस हम लोग को जैसे जैसे सीट मिल चुका है तो अभी ट्रेन पे उठ चुका है, ट्रेन अभी छोड़ने वाला है। तो गाइस धीरे धीरे ट्रेन छोड़ दिया अभी। गोगामुख जाने वाला है हम लोग, भी जा रहा है। ये है छोटा मोटा स्टेशन दीपा, बहुत ही छोटा स्टेशन है गाइस। ट्रेन का इधर ही बैठ बैठ के जा रहा है, नीचे में सीट नहीं है, दरवाजा के सामने बैठ। तेरी नजर खुशबू ते। तो गाइस यहां का व्यू देख सकते हो आप लोग, इतना खूबसूरत व्यू है। व्यू देख सकते हो आप लोग अरुणाचल का व्यू, वाओ सुंदर सुंदर व्यू देख सकते हो आप लोग। बाप रे इतना जंगल है इस जगह, पूरा जगह में जंगल है इधर, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। अरुणाचल का व्यू कितना सुंदर है गाइस देख सकते हो। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। सो गाइस फाइनली गोगामुख में पहुंच चुका है अभी, और अभी हम लोग हनुमान मंदिर में जाने वाला है, गोगामुख में आए हैं तो उधर से दर्शन लेके आता है, उसके बाद घूमेंगे टाउन में। तो वैसे गोगामुख टाउन और फिलहाल अभी बारिश दे रहा है, बारिश के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये जगह लेकिन बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर जगह है। तो फाइनली
मंदिर का सामने पहुंच चुका है अभी, अभी मंदिर में प्रवेश करने वाला है। तो सामने न मंदिर न बढ़िया जगह है, मंदिर में जाते हैं हम। कितना बड़ा मंदिर है और इतना खूबसूरत से बनाया हुआ है, और मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। लोगों को पैर धोना पड़ेगा, पैर धो के अच्छे से जाएंगे उधर। हालत खराब हो गया ट्रेन में। तो वैसे अगर व्यू देख सकते हो आप लोग, इतना खूबसूरत है। हम लोग दर्शन कर लिया अभी। सामने भोलेनाथ का भी मंदिर है सामने। वैसे मंदिर के अंदर चलते हैं, और वैसे यहाँ का व्यू इतना बढ़िया है, क्या है वो। देख सकते हो गाइस मंदिर का व्यू। तो गाइस यहाँ पर आके इतना बढ़िया लग रहा है, क्या ही बोलो। इतना बड़ा मंदिर है और इतना खूबसूरत से बनाया है, देखने से आप बोलोगे इधर का। तो गाइस ये मंदिर गगामुख में है, गगामुख टाउन दिखा देता है वहाँ का पूरा। सामने भोले बाबा के मंदिर है, देख सकते हो। तो गाइस ब्लॉग में बने रहे अंत तक। ऐसे ही गणपति बप्पा का मूर्ति है, भगवान राम सीते। वाओ, अमेजिंग, क्या नजारा है भाई। ओ भाई नीचे का व्यू देखो, राम राम। वाह नीचे का व्यू देखो भाई, इतना बढ़िया है केला। तो गाइस फिलहाल हम लोगों को जल्दी जाना भी पड़ेगा, क्योंकि फिर 10:30 बजे में ट्रेन है। यहाँ से घूम के फिर जाना पड़ेगा दूसरा जगह में। ऊपर में क्या है रे, चीता। वाह इतना बढ़िया से बनाया ये माता का मंदिर। जय माता दी, राधा कृष्णा, हरे हनुमान जी। ये क्या है मयूर, जस्ट अमेजिंग। और ऊपर बंदर भाई, इतना खूबसूरत जगह है रे। तो वैसे यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर, हम लोग नीचे उतर रहे। वो जगह व्यू देख सकते हो, इतना खूबसूरत है भाई। सबसे समय है
खेजू आज घूमना फिरना हो गया, दर्शन करना हो गया, तो आज का ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं और एक दूसरे धमाकेदार ब्लॉग के साथ। और अगर आप लोगों को इस ब्लॉग थोड़ा अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।